रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ पढ़ी जिसमें ये लिखा था कि कुछ लोगों ने वेट लूज करने के लिए मेडिसिन लेनी स्टार्ट की और उसकी वजह से उन्हें स्टमक पैरालिसिस हो गया। तो बेसिकली स्टमक पैरालिसिस हमारे डाइजेशन से रिलेटेड होता है, जहाँ पे हमारी बॉडी में फूड बहुत ही ज़्यादा स्लो डाइजेस्ट होता है, जिस वजह से हमें एब्डोमिनल पेन होना स्टार्ट होता है, इनडाइजेशन हो जाती है, वॉमिटिंग होती रहती है काफ़ी फ्रीक्वेंटली, और एसिड रिफ्लक्स भी हो जाता है। एंड वी ऑल नो ये सब हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। अब जो उन्हें मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई थी जिसकी वजह से उन्हें स्टमक पैरालिसिस हुआ, उसका नाम था वीगोवी। बेसिकली ये मेडिसिन हमारी हंगर को सप्रेस करती है, हमारी भूख को कम कर देती है, जिस वजह से हम ज़्यादा खा नहीं पाते, हमारा कैलोरीज का इंटेक ज़्यादा नहीं हो पाता एंड हमारा वेट लूज होता है। इसी वजह से वेट लूज के लिए ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। वीगोवी मेडिसिन हमारी बॉडी के एक हार्मोन के फंक्शन को मिमिक करती है जिसका नाम है GLP-1, इसकी फुल फॉर्म है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1। ये हार्मोन हमें फीलिंग ऑफ सेटाइटी देता है और वीगोवी मेडिसिन इसी हार्मोन के फंक्शन को मिमिक करती है, जिस वजह से हमारी बॉडी को लगता है कि अब और फूड की ज़रूरत नहीं है, और इसी मेडिसिन की वजह से हमें सीरियस हेल्थ कंडीशंस हो जाती हैं जैसे कि स्टमक पैरालिसिस। सो बेसिकली इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था कि वेट लूज करने के लिए डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स, वर्क ऑन द बेसिक्स। आप एक्सरसाइजेस कीजिए, अपना फिजिकल वर्क इंक्रीज कीजिए और अपनी डाइट में कैलोरी डेफिसिट रखिए।